आज की दुनिया में लगभग सभी लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है क्योंकि कुत्ते काफी समझदार और वफादार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सी प्रजातियां ऐसी भी है जो बहुत ही खतरनाक होती है और कभी कभी तो ये अपने मालिक पर भी जोरदार हमला कर देते हैं। इन कुत्तों के अटैक कई बार तो इतने खतरनाक साबित होते हैं कि इंसानों की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से कई देशों ने तो इनको पालने पर बैन लगा दिया है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों के बारे में बताने वाले हैं जिनके पास भटकना भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। पिटबुल डॉग्स। बड़े शरीर और मजबूत जबड़े वाले पिटबुल नस्ल के कुत्ते सबसे ज्यादा खूंखार कुत्तों में से एक हैं। ये इतने खतरनाक है कि कई देशों ने तो इस कुत्ते को रखने पर पाबंदी तक लगाई हुई है। हालांकि अभी भी कुछ देशों में पिटबुल को पाला जाता है लेकिन इसे पालतू बनाने से पहले पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है। पिटबुल इतने आक्रामक होते हैं कि 2005 से 2015 तक अमेरिका में इनके हमले से करीब 232 लोगों की मौत हुई थी, यानी अगर देखा जाए तो हर 17 दिनों में एक व्यक्ति की मौत। हालांकि इतने आक्रामक होने के बाद भी इस नस्ल के कुत्ते बिना वजह किसी पर भी हमला नहीं करते हैं और अगर इन्हें सही से ट्रेनिंग दी जाए तो इनसे वफादार कोई भी नहीं होता। पिटबुल काफी ज्यादा एनर्जेटिक और स्मार्ट होते हैं, इस कारण ही इस नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस अपने खोजी कुत्तों के रूप में भी करती है। इनका वजन 16 से 27 किलो जबकि लंबाई 45 से 43 इंच तक हो सकती है। डोगो अर्जेंटिनो। खूंखार कुत्तों की बात हो और इस बॉडी बिल्डर का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाए जाने वाला डोगो अर्जेंटिनो खतरनाक होने के मामले में दूसरे कुत्ते से बहुत आगे हैं। यहाँ तक कि जंगली जानवरों के शिकार में भी अक्सर इनका इस्तेमाल होता है क्योंकि सामने चाहे कोई भी जानवर हो ये बिना किसी देरी के उस पर टूट पड़ते हैं। केवल सफेद रंग के ही पाए जाने वाले इन डोगो अर्जेंटिनो का बाइट फोर्स 500 PSI होता है जो किसी भी शिकार को कुचलने के लिए काफी होता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारा बाइट फोर्स 162 PSI होता है, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि ये किसी भी इंसान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। एक डोगो अर्जेंटिनो का वजन 45 किलो तक होता है और ये लगातार काफी दूरी तक दौड़ भी सकता है। यूं तो ये कुत्ते काफी समझदार होते हैं लेकिन कभी कभार खूंखार भी हो जाते हैं। जिसे साल 2012 में एक डोगो ने लाइव प्रोग्राम में एक एंकर के मुंह पर काट लिया था, जिसके बाद एंकर के चेहरे पर करीब 70 टांके आए थे और इसी वजह से इसकी आक्रामकता को देखते हुए कई देशों ने इसके पालने पर बैन लगाया हुआ है। कोकोजियन शेपर्ड। ये कुत्ते साइज में दूसरी प्रजाति के कुत्तों से बड़े और खूंखार दिखते हैं। बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इन कुत्तों का पूरा शरीर बालों से ढका होता है। वहीं इनके खूंखार रवैये के कारण इनका इस्तेमाल पशुओं की निगरानी और उन्हें किसी हमले से बचाने के लिए होता है। वैसे तो ये कोकोजियन शेपर्ड काफी साहसी और वफादार होता है लेकिन बिना ट्रेनिंग के इन्हें घरों में पालना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यदि आपको भी कुत्ते पालने का अनुभव नहीं है तो आपको इस नस्ल से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए कितने घातक साबित होते हैं आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका बाइट फोर्स 550 से 700 PSI होता है। इन कुत्तों को घर या किसी गोदाम में रहने के बजाय बाहर घूमना और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है और इनकी इसी भाग दौड़ की बदौलत इनका शरीर इतना भारी होने के बाद भी ये करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होते हैं। प्रेसा कैनरियो। प्रेसा कैनरियो प्रजाति के कुत्ते कैनरी आइलैंड पर पाए जाते हैं। स्वभाव से बहुत ही आक्रामक कैनरियो प्रजाति का ये कुत्ता केच टाइप डॉग की एक स्पेंस नस्ल है। वैसे ये कुत्ता अपने मालिक के लिए काफी वफादार और बहादुर है लेकिन जब ये किसी अजनबी को पास आते देखता है तो उसका बुरा हाल बना देता है। इसका हमला इतना खतरनाक है कि इससे बचना हर किसी के लिए आसान नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका बाइट फोर्स 540 PSI होता है जो कि इसे और भी खूंखार बना देता है। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक प्रेसा कैनरियो ने अमेरिका में 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।
जिसके चलते इसे कई देशों ने पालने पर बैन कर दिया है। साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की ऐसे नस्ल के कुत्ते हैं जो दिखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इसी वजह से लोग इन्हें अपने घरों में पालना भी बेहद पसंद करते हैं। लोगों के बीच इसके घुलने मिलने की क्वालिटी को देखते हुए साइबेरियन हस्की को फैमिली डॉग की प्रजाति में से एक माना जाता है। हालांकि ये जैसे दिखाई देते हैं हमेशा वैसे ही नहीं रहते और कभी कभी तो ये बेहद गुस्सेल हो जाते हैं। दरअसल वैसे तो इन कुत्तों का स्वभाव बेहद चंचल और शरारती होता है, मगर जब ये आक्रामक होते हैं तो किसी की जान लेने की ताकत रखते हैं। इनके जबड़ों की 302 PSI बाइट फोर्स की ताकत किसी भी इंसान की हालत खराब कर सकती है। इस नस्ल के कुत्तों ने अब तक पूरी दुनिया में करीब 15 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया है। हालांकि फिर भी लोग इन्हें अपने घरों में पालना काफी पसंद करते हैं क्योंकि ये बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा नस्ल का कुत्ता सबसे खतरनाक लगा? और अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं, तो आप कौन सा कुत्ता पालना पसंद करोगे? हमें आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट जरूर दें। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।